400 वर्षों से चली आ रही राज परंपरा का विधायक जयवर्धन ने निर्वहन किया है। रागुगढ़ में डोल 11 के विमानों की चली आ रही भव्य परंपरा को जयवर्धन ने श्रद्धा और विश्वास से निभाया। भक्तिभाव दिखाते हुए जयवर्धन सिंह डोल 11 में नंगे पैर चलते हुए विमान लेकर धीरपुर तालाब पहुंचे। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों का सैलाब उमड़ा। जयवर्धन सिंह ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 18 दिन बाद उनकी जड़वा पूजा हुई थी, वो आज डोल 11 को मनाई जाती है। राघोगढ़ की 400 साल पुरानी परंपरा को निभाया जाता है। इस मौके पर एक एक विमान, एक एक मंदिर की झांकी पूरे शहर का भ्रमण करके धीरपुर तालाब तक पहुंचती हैं। राघोगढ़ किले के समस्त मंदिरों के विमान नीचे तालाब पर पहुंचती हैं, जहां पर विमानों की पूजा की जाती है। इस पावन मौके पर जयवर्धन ने भगवान कृष्ण से राघोजी नगरी में हमेशा आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना की। एक एक निवासी को, एक एक परिवार को डोल 11 की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। दो दिन पहले ही राधा अष्टमी के पावन पर्व पर मेरे साथ अनेकों साथियों ने गणराज्य की परिक्रमा की थी और दो दिन बाद आज 25 तारीख को हमारे पूरे विश्व में डोल 11 पावन पर्व मनाया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हो, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 18 दिन बाद उनकी जलवा पूजा हुई थी और वो आज डोल 11 मनाई जाती है। और जैसे कि हमारे रागों की परंपरा पिछले 400 सालों की है कि प्रतिवर्ष डोल 11 पर हमारे नगरी में एक एक मंदिर के विमान सब पूरे शहर से धीरपो तालाब तक पहुंचते हैं और उसी प्रकार से किले पर भी चाहे हमारे अनेकों मंदिर के जो विमान हैं, चाहे गोपाल जी का हो या फिर हमारे कल्याण राय जी का हो, राघो जी का हो, सब विमान नीचे तालाब पर पहुंचते हैं और हम वहां पर सब लोग एक होके सब विमानों की वहां पूजा करते हैं। तो मैं आज रागुड़ के एक एक निवासी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सब भी आज शाम को धीरपुर पहुंचे, जहां पर हम सब मिलकर जो विमान हमारे रागुड़ के वहां पहुंच रहे हैं, हम सब मिलकर वहां पर पूजा करेंगे। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आप सबको पुनः डोल 11 की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमारे रावगढ़ पर सदैव बना रहे, उनकी असीम कृपा सदैव रावगढ़ पर बनी रहे। 2 अक्टूबर को शाम को 7 बजे से ITI मैदान पर एक भजन संध्या का आयोजन रखा गया है, तो आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, बहुत जल्द आपको उसके पैम्फलेट दिए जाएंगे। मेरी रावगढ़ के एक एक परिवार से विशेष प्रार्थना है, सभी मेरे नौजवान साथियों से, सभी जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं और सभी माता बहने से कि सब उस दिन पधारें भजन संध्या में भी और आज जरूर डोल 11 के पावन पर्व पर आज शाम को धीरपुर पधारे, जहाँ हम सब एक परिवार के जैसे सभी जो विमान वहां पहुंचेंगे हम सब विमानों की पूजा करेंगे। मैं आप सबको पुनः डोल 11 बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो बंसी वाले की, बोलो कृष्ण भगवान की। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जयवर्धन सिंह ने राघोगढ़ के एक एक निवासी, एक एक परिवार को ढोल 11 की शुभकामनाएं दी और नगर की खुशहाली के लिए कामना की। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुना से मिसवाहा नूर की रिपोर्ट। से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।